मुंबई से यूपी बिहार जाने वाले ट्रेन में लोगों की भारी भीड़, स्लीपर कोच के हालात चालू डिब्बे से बदतर। बांद्रा के बैराम पाड़ा में केरला स्टोरी को देखने पहुंचे मुसलमान, फिल्म को बैन करने की उठाई मांग। मुंबई में एक बार फिर बढ़ने लगा तापमान, अगले कुछ दिन बारिश का अलर्ट। मुंबई में रहने वाले किराएदारों के लिए बड़ी खबर, अब NOC अनिवार्य नहीं। केरला स्टोरी पर जितेंद्र आव्हाड़ को बोलना पड़ सकता है महंगा, फडणवीस ने उनके बयान की जांच करने के दिए आदेश। बजरंग दल को बैन करने की मांग पर बवाल, मुंबई सहित देश भर में आज बजरंग दल ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। भाड़ा ठुकराया तो कैंसिल होगा ऑटो टैक्सी वालों का लाइसेंस, मुंबई में ट्रैफिक पुलिस का नया आदेश। दिकरत स्टोरी के निर्माता को सूली पर चढ़ा दो, NCP MLA जितेंद्र आव्हाड़ का बयान। मुंबई के लोकल ट्रेन में महिलाओं को धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रही थी महिला, लोगों ने जमकर सुनाया। डोंबिवली में 22 वर्षीय पड़ोसी ने 6 साल की नाबालिग बच्ची का किया दुष्कर्म का प्रयास, पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ोसी को किया गिरफ्तार। मुंबई के मानखुर्द में सिगरेट जलाने के लिए नहीं दिया माचिस तो 22 वर्षीय युवक की दो नाबालिगों ने ले ली जान, घटना से सनसनी। दिगरा स्टोरी का बॉक्स ऑफिस पर बजा डंका, 5 दिन के अंदर 50 करोड़ के आंकड़े को किया पार। महाराष्ट्र के नासिक में कार चालक पर तेंदुए ने मारी झड़प, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। बहन को आया पीरियड तो भाई ने मौत के घाट उतार डाला, थाने से आई रू कपा देने वाली घटना। संजय राउत बोले बीजेपी NCP को तोड़ने का प्लान बना रही थी, कहा शरद पवार के इस्तीफे ने उनका गेम प्लान खराब किया। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में बवाल, कई जगह हिंसा आगजनी और तोड़फोड़, पूरे देश में धारा 144 लागू। मुंबई के पूर्व मेयर विश्वनाथ महादेश्वर का कल रात निधन, करीब रात 2 बजे उन्हें दिल का दौरा पड़ा। मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे पर बन रहा पुल भरभराकर गिरा, पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन, गुणवत्ता पर उठे सवाल। महाराष्ट्र में लाइसेंस लेने में पास लेकिन ड्राइविंग में हो रहे फेल, RTO के ये आंकड़े कर देंगे हैरान। नेट एग्जाम के दौरान लड़कियों की ब्रा और पैंटी तक किए गए चेक, खुले में कपड़े बदलने को की गई मजबूरी। मुंबई महानगर पालिका जीतने के लिए भाजपा का मिशन 150, महीने भर जायजा लेकर तय होगी रणनीति। भारतीय शेयर बाजार आज फ्लैट रहे, सेंसेक्स 3 अंकों से गिरकर 61,761 अंकों पर हुआ बंद। फिल्म दिगर स्टोरी पर विवाद, अनुपम खेर ने तोड़ी चुप्पी, जिन लोगों को लगता है कि ये प्रोपेगेंडा है वो उस विषय पर फिल्म बनाने के लिए स्वतंत्र है। मुंबई में आज सोने चांदी के दामों में उछाल, सोना 56,700 रुपए तो वहीं चांदी 78,100 रुपए किलो। बदलेगी साईं बाबा की शिरडी की तस्वीर, सरकार से मिले 22 करोड़ रुपए के फंड।